baby. Matsu. यही से पलटा हूँ मैं हूँ तो कनेक्टेड, ये डिसकनेक्टेड है। इंटरकॉम ट्राई कर बोलते हो भाई, वो नहीं होगा। मैं और तू आएंगे तो तू और वो कट जाएंगे। वो ऐसा बोल रहा है कि दोनों में से एक ही का एक ही अटैच होगा और मैं मीडिएटर हूँ। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई एम रिक्शा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्रैवलर। तो गाइस ऑफिशियली निकल गए स्पीडी के लिए। ये पहला दिन है, आज की तारीख 4 तारीख है। बैग्स नहीं लिए हूँ, स्टील बैग वगैरह और टैन बैग है इस बार। भाई मज़े है हमारे, अब करते हैं पूरे मज़े, पूरे रोड और पूरे स्पीडी में मज़े करना है इस बार। बस अभी हाईवे पे टच होने वाले। तो भाई यहाँ हमारे मियान, अरे भाई हाथ नहीं देना था पगले, चल चल ले भाई, चल ले चल ले भाई। और पीछे ईशान है टाइगर पे और हम हैं एडवेंचर पे ब्रो, पूरे मजे हो रहे हैं। वो खुशी अब तुमको क्या ही बताए, इतने सालों नहीं सॉरी इतने, वो खुशी तुमको क्या ही बताए भाई। कितने महीने हो चुके हैं हम घर में बैठे थे, एंड नाउ वी आर लीविंग टू स्पिटी। तो गाइस मैंने ट्रिप वन, अपन रोज कितना करेंगे उसका रिकॉर्ड लेके, और ट्रिप टू जो रहेगा वो पूरा ओवरऑल अमरावती टू अमरावती का रहेगा। सब 0-0 कर दिया मैंने, ये भी ऑल सेट। दोनों पेट्रोल भर रहे अपने, इसमें है वैसे पेट्रोल फुल टाकी है, वैसे 390 किलोमीटर का रेंज दिखा रही है तो चल जाता है उतना चल जाएगा। भाई 1.5 घंटे की नींद में हूँ मैं सिर्फ। निहान तो सोया नहीं है, ईशान में मुझे नहीं लगता सोया। और भाई 1.5 घंटा और अभी हल्की हल्की सी मुझे नींद आ रही है, इतनी जल्दी पता नहीं क्यों, बट मैं 3 बजे से जागा हुआ हूँ। मैं हम सोए कितने, 1.5-2 के आसपास, और 3 बजे मुझे जगा दिया। तो भाई चाय चाहिए अब। वैसे मैं अभी हूँ फिलहाल मोर्शी में, तो हम जा रहे हैं वरुड़, फिर वरुड़ से मुलताई, जो सेम पिछली बार दिल्ली जाने का रूट था वही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। देखेंगे आज झांसी तक जाए, झांसी अगर उसके पहले थक गए क्योंकि पहला दिन है, अगर जल्दी थक जाएंगे तो आगरा रुक देंगे, देखते जैसा बनता है वैसा। बट हमको चाहिए चाय, बट मैं वरुड़ में लूँगा, अभी 30 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर के बाद रुकेंगे, कुछ खा भी लेंगे पेट के लिए क्योंकि सुबह क्या है भाई, ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। वहाँ हम करेंगे वरुड़ में। कहाँ गया वो? वो
वगैरह देखने खाने को यहाँ पे सिर्फ खोआ है। तो भाई हम वरुड़ वगैरह क्रॉस हो गया है अभी मुल्तानी रोड पे, और भाई अभी तक कर लिए हमने 85 किलोमीटर। पेट्रोल पंप पे रीसेट किया? हाँ पेट्रोल पंप पे, वो ध्यान नहीं रहा भाई मेरा। कोई क्वेश्चन पूछना है? क्या आया है बीच में तेरे? नील गाय नील गाय भाई, कुछ ना कुछ आते रहता है। बस भाई एक डेढ़ मिनट हुआ था, कैमरा चालू था मेरा, बंद था भाई उस टाइम पे। एक डेढ़ मिनट पहले बस चालू किया, अब क्या सोचते हैं पूजा, मेरे को बताने में वाला थोड़ी उजाला आ रहा है, चालू कर लेते हैं। सही है ना, फुटेज है, फिर फुटेज दिखा सकते हैं भाई। वो बहुत बुरा है यार भाई, ये सोच लिए थे कि बस चालू हो गया करके ट्रिप हमेशा जैसा, मेरे को तो लगा हुआ खत्म करके जगह पर ही थी, वो जिस हिसाब से भागते हुए आया ना। नील गाय, नील गाय वो भी नहीं छूट गए भाई, वाइल्ड लाइफ भी आ रहा है तुम्हारे लाइफ में अभी। पंछी तो अलग लेवल पे चल रहे, मार दिए अभी तक, मारा एक भी नहीं है। एक तो भाई टायर के नीचे से निकला चलती गाड़ी में, जो भी झेलेंगे अपन दोनों झेलेंगे बाद में ही झेलेगा। और भाई हेलमेट की हालत देखो, रस्ता नहीं, रस्ता नहीं, सुनो ना उसके ऊपर एक एक आलू बंडा भी रख देना ठीक है। तो तब पहले पोवा दे दो, नीले कलर के चिप्स ले लेता मैं। मियान के चेस्ट पे है भाई पूरे, कितने मारे ओ भाई। तो अभी फिलहाल भाई कुछ मिल नहीं रहा है इतने सुबह, तो पोहा जुगाड़ जुगाड़ अभी वही है ना, इतने सुबह क्या मिलेगा। आलू बंडा तो बन गया, टाइम क्यों बोला? वो भाई तेल गर्म होने के लिए वक्त लगेगा ना भैया। तो जी ये होता है जब आप किसी गांव में ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हो बाइक्स लेकर, पूरी पूछताछ करते हैं एक और एक चीज़ बस ये मज़ा आता है भाई। और ये क्यों रुका है मेरे को नहीं समझा। चल भाई साहब, सो ये है भाई चेक पोस्ट एमपी में जाने का। ओहो जाने दिया है, धन्यवाद। तो अब हम ऑफिशियली अब एमपी में हैं। ये इतना सा जो घाट है ना वो बहुत प्यारा है, बट मैं ज़्यादा कुछ गाड़ी लीन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे देख ही आपने मैंने पीछे का टायर कौन सा डाला है, तो मैं इतना कुछ श्योर नहीं हूँ। और अभी भी उस वो टायर की आदत लगनी है। रोड सीधा जाता है नागपुर हैदराबाद, अपन जा रहे लेफ्ट छिंदवाड़ा की तरफ। मेरी स्क्रीन बंद पड़ गई है पता नहीं क्यों, की हवा है कि मुझे मैं सब मागो फेंकला चल रहा है, इतकी हवा है, आधा विंडशील्ड आधा हवा सरल नहीं है, हवा लेफ्ट साइड नहीं हिल की राइट साइड नहीं हिल, इतना सरल तो विषय नहीं है आपला, जब साइड नहीं होती ना तो गाड़ी बन हालत है मी सुधा।
पूरे टाके फुल करके लिए अभी, और अभी तक हो गए 200 किलोमीटर पूरे। 8 बज गए भाई, 200 किलोमीटर पूरे हो गए। वापस एक चाय ब्रेक लेंगे, और भाई अच्छा खासा आज ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है रोड पे, तो एकदम अच्छा खासा चल रहा है, डिसेंसी स्पीड कंटिन्यूस, उसमें फिर टेंशन नहीं रहता। वैसे फुल ऑन मजा आ रही है, ट्रैफिक कुछ भी नहीं है रोड पे, जैसे पहले रहता था वैसा ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो कंटिन्यूस स्पीड रख रहे हैं हम, 100-110 के आसपास क्रूज कर रहे हैं। मेरा TFT स्क्रीन बंद हो जाता है, अब वो पता नहीं क्यों होता है भाई, क्यों नहीं, बट मज हो जाता है क्लियर बंद करके चालू करने के बाद। और भाई वाइजर इतना ख़राब हो गया है भाई, क्या बताया आपको। आता समोर स्टॉप घेतच आहे आम्ही, तर मग तेव्हा वापस क्लीन करून घेऊ, कारण की 100 किलोमीटर झाले वापस, तर आता स्टॉप घेऊ शकतो आम्ही। तो भाई हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टे लिए थे, मस्त चाय वाय पिए, शुक्ला फैमिली रेस्टोरेंट। हाँ ना भाई, पता है ना सनवाइजर है तुम्हारे इसमें, मैंने गॉगल पहना है। ओके भैया, हैप्पी जर्नी। अरे धन्यवाद भैया, अरे मिलेंगे मिलेंगे जरूर। आता वाजले 9, जसं जसं जर आम्ही लवकर लवकर जर कवर करत गेलो तर बघू आपण झांसीच्या पुढं पण जाऊ शकतो ग्वालियरमध्ये। आणि आज मेन अशी गोष्ट आहे की आज संडे आहे, तर बाईक म्हणजे हायवेवर ट्रक्स पण कमी आहेत आणि प्रायव्हेट कार्स पण कमी आहेत, तर त्याच्यामुळं असं वाटत नाही आहे की एकदम म्हणजे गर्दी वगैरे नाही आहे, तर म्हणून कंटिन्यू क्रूज चालू आहे। आता नेक्स्ट स्टॉप 100 किलोमीटर नंतर। सो गाइस, नरसिंहपुर पहुंच चुके हैं, और अभी हम 100 किलोमीटर पे नहीं, हम 150 किलोमीटर पे भी शायद रुके तो ठीक है, नहीं तो और थोड़ा सा खींच लेंगे। अभी लगता है सागर लेफ्ट यहाँ से, अच्छा रुकना है क्या? तो हाईवे पे रुक लेते ना, हाईवे पे रोकते। मिल जाते रे, अच्छा बीच रहे थे, 450 बचा है, गाड़ी है, खींच लेंगे आ जा रहा। ठीक है ना, अभी MP। अरे रे रे अंकल जी, बुरे दे रहे अंकल। ठीक है जान दो ना भाई। तो आई थिंक ये रोड राइट साइड में जाता है नागपुर, लेफ्ट साइड जाता है सागर, तो हमको सागर जाना है। हाँ, आओ गाइस ब्रंच करते हैं। वैसे अभी 10:30 बज चुके हैं, और 345 किलोमीटर अभी तक हो चुके हैं,
वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करके रख रहे हैं हम, शायद ग्वालियर भी खींच ले। 20-25 मिनट का ब्रेक लेते उसके बाद में अब डायरेक्ट 200 किलोमीटर बात करेंगे आगे से आगे, मतलब वही 200 अपना डायरेक्ट कवर के बाद। ऐसा कुछ है भाई, ये मेरी एक ही बैग है इस बार, अपना लंच से मुझे टेंट फिर स्लीपिंग बैग और टैंक बैग खत्म, इतना ही इसके ऊपर सामान लिया नहीं है मैं। हाँ टॉप बॉक्स है उसमें से कैमरा गेट्स है, बाकी कुछ नहीं। मज़ा आ रही है आज, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, बस कुछ खाते हैं ऐसी चाय वाय पीते हैं फिर निकल जाएंगे भाई, ब्रंच नहीं कर रहा। तो अच्छा खासा ब्रेक ले लिया हमने 15-20 मिनट के आसपास, शायद बरबर 11 बज गए। अब कोशिश ये है कि सागर के बाद शायद हम खाना खाने के लिए रुके, तब तक के देखते हैं। सागर कितना दूर है यहाँ से? 140। सो उतना कंटिन्यूस में मार सकेंगे हम, देखते क्योंकि ये रोड ऐसा सीन है, गाय भैंस ज़्यादा आते हैं और ट्रक वाले भाई जगह देते नहीं कभी कभी, और कार वाले भी उससे भी बुरे हैं, इसलिए बाकी सब बढ़िया है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है इसमें, या थोड़ा सा टास्क अलग हो जाएगा। हर चीज़ बंदी है कि देखना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि कैसा है कोई चीज़ खुले तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, बाकी सब सही है। गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, टायर भी लगभग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रोड बाइस टायर है तो ऑब्वियस है ग्रिप परफेक्ट दे रहा है, उसका दिक्कत थोड़ी सी ये जाएंगे ऑफ रोडिंग में, अब उतना सह लेंगे भाई, 3000 का लिया है, ये ट्रिप भी निकाल दी उसने तो बहुत हो गया, तो उससे उधर से आने के बाद देखेंगे अच्छे खासे एक अंदर कारू स्ट्रीट से या समथिंग पैरेली STR वगैरह डाल देंगे। अभी एन मोमेंट पे नहीं मिला ना भाई, और ये हमने स्पीटी का लोगो बनाया था हमारे लिए, तो भी स्टिकर लगवा लिए हमारे इस पे, इसकी गाड़ी पे यहाँ पे है और टाइगर पे यहाँ पे है, सब सही है भाई। भाई टांग बाग कितनी बड़ी है, तेरी हाइट पूरी रहे, तुझे दिखता है भाई? हाँ? दिखता है तेरे को? हाँ। हाइट कितनी है उसकी? ऊपर है वो, बट दिखता है बराबर इसके ऊपर से, वो बीच में। कैसा परफॉर्म कर रहे चुम्मा, तेरा कैसा चल रहा गाड़ी का? मस्त जमा हो गई है। भाई रुके थे, पेट्रोल फुल कर लिया, मेरे इसमें 1000 रुपये गया, 1000 रुपये का गया अभी फ़िलहाल, और भाई अभी तक हो गए 417 किलोमीटर और 12 बजे भाई साहब। आज धूप बहुत है भाई, बुरी धूप है, बुरी धूप चल रही है आज, सूरज देवता पूरा प्रकोप कर रहे हैं उनका, ऊन जास्ता नहीं पाजे मैं, देखा ऊन जो जास्ता असली ना तो थोड़ा डिहाइड्रेट लवकर होते माणूस, बाकी ठीक है, जो जो है चल रहा है अच्छे खासा, मस्त स्पीड भी अच्छी खासी चल रही है, कोई आ रहा है भसकने वाले हमारे बीच में, बट ठीक है, उतना हर चीज़ अगर तुमको बताऊँ तो भाई बेमतलब हो जाएगा वो मतलब नहीं बनेगा उस चीज़ का, आपको भी पता है कि रोड्स इंडियन रोड्स कैसे है। तो यहाँ से भाई अभी सागर है 65 किलोमीटर, डेढ़ एक घंटा लगेगा शायद, क्योंकि रोड पे है ना बहुत बहुत ही जानवर है भाई।
लास्ट टाइम यही तो रुके थे भाई। यहीं पे रुके थे अपन। तो भाई ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं है, दाल है, मिक्स वेज और बटर रोटी, ख़त्म। एक मियान को खटिया मिल गया भाई। मियान सोना नहीं है मियान। मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है, एक खटिया भी लेट जाओ। देखते हैं आज ग्वालियर ही जाते, नहीं तो आगरा। क्या हो पाएंगे अपने से? आगरा नहीं, ग्वालियर ही जा सकते भाई। रेस्ट करेंगे आज, फिर वापस उतना ही किलोमीटर कल भी निकलना है। तो एक दिन में इतना एक्सर्शन अच्छा नहीं है। या हॉटेलमध्ये मी सेकंड टाइम आलेलो आहे, पहिले उत्तराखंडच्या वेळेस आलो होतो आम्ही। हॉटेल राघव सागर नंतर पडते हे। आम्ही जास्त वेळ घेतला नाही, जेवण केलं 10-15 मिनटं, जस्ट बॉडी रिलॅक्स केलं। पूर्ण म्हणजे अंदरून म्हणजे घामानं भरून गेलो, म्हणजे ते दुसरे तयार होईपर्यंत आपलं हालत खराब होऊन जाते। ग्वालियर इथून 300 किलोमीटर आहे, तर आम्ही 6 वाजेपर्यंत अप्रॉक्स पोहोचून जाऊ असं वाटते आम्हाला। पण बघू जसं ट्रॅफिक वगैरेवरूनही डिसाईड होते। जास्तीत जास्त 7 वाजेल, पण ग्वालियरमध्ये स्टे करून घेऊ आम्ही आज, मग पुढचा प्रवास उद्या। भाई ये दिक्कत है यहाँ पे, ये भी उतर जाते थे नीचे, और वो भी इसके लिए बहुत ध्यान से चलाना ये गाड़ी, ये रोड पे स्पेशली ध्यान से चलाना भाई, पता चले कि ये हाल रहता है। ये हाईवे है भाई, इसलिए मैं पहले से सुबह से बोल रहा हूँ कि ये रोड पे आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखो। झांसी इतना 70 किलोमीटर है, आने ग्वालियर तिथून 100 किलोमीटर नाही, तो एक, हां तो एक 170 के आसपास किलोमीटर बनते हैं ग्वालियर के लिए। बट भाई धूप इतनी है बुरी, वो चुभ रही है, और भाई पूरे गीले हम कंटिन्यूस बाइक पे है तभी भी पूरे गीले हम। मेरे लिटरली हेलमेट से भाई ऐसा चेहरे से ऐसा पूरा पसीना उतर रहा है, और डिहाइड्रेट इतने जल्दी हो रहा है कि पानी पीने के लिए रुकना ही पड़ रहा है हमको। 4 ही बजे मियान भी वही बोल रहा है कि गर्म बहुत हो रहा है, सच में गर्म बहुत हो रहा है, अभी क्या करे भाई। ये होता है पहली रोड आधा कर दिया है उसमें ये धंधे कर दिए। प्रेस की गाड़ी है की। भाई हो यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि गर्मी इतनी है ना भाई, थक गए अब। और अभी तुम्हारा भाई चलाएगा डुकाटी स्क्रैबलर, फुल एकदम गॉगल वॉगल लगा के टशन में भाई, हीट के मजे ले बोल रहे। तो ठीक है भाई, हीट के मजे ले लेते। 100 किलोमीटर इसकी गाड़ी चलाया हूँ इस मियान की, बट हमारे गोप्रो हैंग हो गया था और बारिश का मौसम दिख रहा था, तो हम कहीं रुके ही नहीं, यहाँ रुके ऐसे ही, थोड़ा सा
खुद को भी थोड़ा सा फ्रेश ही करने के लिए। पाउस शुरू है यार इकड़े सा, एकदम स्लाइटली बस तो रूम पर्यंत म्हणजे हॉटेल पर्यंत जाय, म्हणजे हॉटेल पर्यंत तो वाढला नाही पाहिजे, बस इतनी ही दिल की ख्वाहिश है हमारी। नया कुछ चल रहा है, चलो भाई साहब वाटर क्रॉसिंग। वाटर क्रॉसिंग ब्रो, अभी से प्रैक्टिस करवा रही है गोली ये हमसे। पाए लगू ईशान पे अटैक था ब्रो, ईशान पे अटैक था। तो ये वही लैंडमार्क होटल लैंडमार्क रेलवे स्टेशन के पास ग्वालियर में। बात करके आजा मियान, रूम भी देख लेता है यार। हाँ कर ले। हमने चला ये 805 किलोमीटर, 805 किलोमीटर करेक्ट, 10 किलोमीटर बाद चालू किया। हाँ बट तभी भी 10 जान देना, अभी अमरावती छोड़ा ना 15 किलोमीटर। अच्छा ठीक है 815 भाई। सुबह 5 बजे से निकल रहे भाई, 7 बजे पहुँचे। हे गाइस, पहुँच गए हम ग्वालियर और रूम में हूँ मैं फिलहाल। तो हम हैं सोफ़ा राज थर्ड सोफ़ा पे पड़ा हुआ हूँ, बहुत ही बड़ा है भाई, ऐसे रूम में दिया है। और भाई साहब हमारे पूरे गियर्स, अभी रूम ख़राब कर दिया है हमने, वैसे तो चालू हो गया और फ्रेश वगैरह होंगे। अभी आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, ग्वालियर पहुँच गए अच्छे अच्छे एकदम तरोताज़ा, अब मस्त खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे। बाकी तो अब क्या ही दिखाऊँ मैं, रूम में क्या चलेगा भाई, मस्ती चलेगी बाकी दूसरा कुछ नहीं। और कल का डेस्टिनेशन शायद दिल्ली हो या चंडीगढ़ या डायरेक्ट शिमला भी हो सकता है, देखते। शिमला का कितना है यहाँ से अगर देखा जाए तो? 10 घंटे 10 घंटे 11 घंटे। तो अगर कल चंडीगढ़ तक भी खींच लिए तो ठीक है। 5 बजे तक हमने 500 किलोमीटर खींच लिए थे सुबह से 5 बजे से 1 बजे तक, बट दिक्कत हुई है भाई उसके बाद, खाने के लिए रुके हैं, उसके बाद जो गर्मी शुरू हुई है भाई, पसीना लोट। स्ट्रेट स्ट्रेट रोड में ना इतना कुछ दिखाने, मुझे दिखाने के लिए रहता भी नहीं है कुछ। बस मैं कुछ अच्छी रोड के बारे में बोल दूँ या लोगों के बारे में बोल दूँ, बस उतना ही रहता है। अब कल देखेंगे अब क्या करना है। तो पीस आउट।